कांट के सिद्धांत की आलोचना में सबसे पहला नाम आता है लाप्लास महोदय का। लाप्लास महोदय ने 1796 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनका सिद्धांत जो है वह निहारिका सिद्धांत कहलाया, नेबुलर हाइपोथेसिस हम इसे कहते हैं। लाप्लास महोदय ने कांट के जो तीन प्रमुख आलोचना के जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों को सुधारने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया कि आकाश में पहले से ही एक तप्त निहारिका विद्यमान थी। इस प्रकार से इन्होंने जो आद्य पदार्थों के आपस में टकराने से ताप की उत्पत्ति होती है, इसको इन्होंने बचा लिया। इन्होंने कहा पूर्व से ही एक तप्त निहारिका आकाशगंगा में विद्यमान थी। यह निहारिका तप्त थी और गतिशील भी थी, और इस प्रकार से यह गतिशील निहारिका होने की बात भी लाप्लास महोदय ने कही है। प्रारंभ में काफ़ी गतिशील थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये शीतल होकर के सिकुड़ने लगी थी। तो ये जो तीन बातें इन्होंने पहले से मान ली कि आकाशगंगा में तप्त निहारिका थी, यह निहारिका गतिशील थी, प्रारंभ में बहुत तापमान था लेकिन धीरे धीरे यह शीतल होने लगी थी, और इस प्रकार से इन्होंने एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया और यह सिद्धांत निहारिका सिद्धांत कहलाया। निहारिका प्रारंभ में तप्त थी, तप्त होने के कारण उसमें विकिरण या रेडिएशन बहुत अधिक था, और उसके फलस्वरूप धीरे धीरे उसकी ऊष्मा निरंतर कम होने लगी, ऊष्मा का ह्रास होने लगा, और ह्रास होने के साथ ही निहारिका धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी। इसका बाहरी भाग तेजी से ठंडा हो रहा था, क्योंकि मध्यवर्ती भाग में जो अत्यधिक ताप के कारण रेडिएशन हो रहा था, तो बाहरी भाग तेजी से ठंडा हो रहा था, और बाहरी भाग भीतरी भाग अत्यधिक ताप और अत्यधिक गतिशीलता के कारण तेजी से घूम रहा था, जबकि बाहर में गति धीरे धीरे कम होने लगी थी। और यह जो गति थी, ये बाहरी हिस्सा धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इसकी गति, सेंटर की जो गति थी और बाहर की जो गति थी, इसमें पर्याप्त अंतर आने लगा, और उसके फलस्वरूप ये जो बाहरी हिस्सा है इसमें संकुचन होने लगा था, और दोनों की गति में अंतर होने के कारण बाहरी हिस्से का जो क्षेत्र था इसका आकार और आयतन ये अलग होने लगा, और यह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी थी। यह निहारिका सिकुड़ने लगी और बाहरी भाग धीरे धीरे अलग होने लगा था। अलग होने का कारण क्या था? जब भ्रमण तेजी से हो रहा था तो केंद्रोपसारी बल यहाँ पर अधिक सक्रिय हो गया। केंद्रोपसारी बल अधिक सक्रिय होने से मध्यवर्ती भाग हल्का हो गया था और इसमें काफ़ी अधिक उभार आने लग गया था। इस उभार के फलस्वरूप इसका आकार जो है वह छोटा हो गया, आयतन जो है आयतन भी कम होने लगा था, और इसकी गति में तेजी से विकास होने लगा। फलस्वरूप बाह्य भाग शीतल हो गया, गति कम हो गई, और वह घना होने लगा था, और धीरे धीरे वह ठंडा हो करके अलग हो गया, क्योंकि इनके भ्रमण की गति में पर्याप्त अंतर था, और निरंतर शीतल और सिकुड़ने के कारण मध्यवर्ती भाग जो है उससे बाह्य भाग अलग हो गया, और एक गोल छल्ले के रूप में यह बाहर आया। शेष भाग निरंतर घूमने लगा। जो बाह्य भाग एक गोल छल्ले के रूप में बाहर आया, कालांतर में इस छल्ले से नौ छल्लों का विकास होता है, और ये जो नौ छल्ले हैं यह प्रत्येक छल्ले एक एक गांठ के रूप में विकसित होने लगे, और आसपास के पदार्थों को आत्मसात करने लगे, घनीभवन इनका होने लगा, और इस प्रकार से एक गर्म वायव्य ग्रंथि, हॉट गैसेस एग्लोमरेशन होने लगा था, और उसके फलस्वरूप यह जो छोटे छोटे नौ पिंड बने थे
या ये जो छोटी छोटी नौ गांठें बनी थी, नौ छल्लों से निकली हुई, तो इन गांठों का शीतल होकर के ग्रहों के रूप में निर्माण होने लगा। यह क्रिया जो है यह ग्रहों का निर्माण करती है। ग्रहों में भी इस प्रकार की क्रिया हुई, ग्रह भी तेजी से घूमने लगे थे, क्योंकि जब ये उस तप्त निहारिका से बाहर निकले तो ये स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन अभी भी ये उस निहारिका के आकर्षण में थे और उसके फलस्वरूप ये निहारिका के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे और स्वयं भी परिभ्रमण कर रहे थे। इनमें भी परिभ्रमण की गति उसी प्रकार से थी जैसे निहारिका में थी। फलस्वरूप ये निहारिका से स्वतंत्र ये जो नौ गांठें बनी थी, इन गांठों में भी परिभ्रमण के फलस्वरूप वही क्रियाएं संपन्न होती है या उन्हीं क्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है जो ग्रहों के बनने के लिए प्रमुख निहारिका में होती है और उसके फलस्वरूप उपग्रहों का निर्माण होता है। शेष जो अवशिष्ट पदार्थ है यह सूर्य कहलाता है। तो इस प्रकार से लाप्लास महोदय ने कांट के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों में कुछ बातों को कि निहारिका पहले से गर्म और तप्त थी, इसको मानते हुए एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इनका सिद्धांत जो है यह निहारिका सिद्धांत कहलाया। लेकिन लाप्लास महोदय के सिद्धांत की भी आलोचनाएं की गई। इनकी आलोचनाएं के पहले जब लाप्लास महोदय ने सिद्धांत को रखा था तो लगभग 150 वर्ष तक इनके सिद्धांत को काफ़ी मान्यता मिली, लेकिन बाद में इनके सिद्धांत में भी कुछ नवीन खोज जो हुई उसके आधार पर इनके सिद्धांतों में भी मूल्यांकन किए गए। सबसे पहले मूल्यांकन में यह बात सामने में आती है कि जो मौलिक निहारिका थी उसके कोणीय आवेग से पदार्थों का अलगाव संभव नहीं है, लेकिन लाप्लास महोदय ने बताया कि पदार्थ जो है वह अलग होते हैं। सूर्य के जो सदस्य ग्रह है इसमें भी सभी, चूंकि वह निहारिका से निकले पदार्थ थे तो इनमें सभी में एक समान पदार्थ होने चाहिए, लेकिन लगभग 98% पदार्थ जो है वह ग्रह में आ गए थे लाप्लास के अनुसार और केवल 2% पदार्थ जो बचे थे उससे सूर्य का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कोणीय संवेग की सिद्धांत के विपरीत यह सिद्धांत लाप्लास महोदय ने प्रस्तुत किया है। दूसरा मूल्यांकन जो हुआ इसमें यह बात सामने में आई कि पहले एक छल्ला निकला और उस एक छल्ले की भ्रमण की क्रिया के फलस्वरूप उसमें से 9 छल्ले बाहर आए। केवल 9 ही छल्ले बाहर क्यों आए, यह भी एक प्रश्न हमारे सामने में आता है। और इन छल्लों से निकले जो पदार्थ है इनके घनीभवन से एक ही पिंड क्यों बना, कई पिंड बन सकते थे। ये पदार्थ जब बाहर आए तो इसमें से कई पिंडों का निर्माण हो सकता था, लेकिन 9 छल्लों से के 9 पिंड बने और इनके घनीभवन से ग्रहों का निर्माण हुआ है। वास्तव में जो छल्ला है यह जब टूटेगा तो ये कई टुकड़ों में इनका विस्तार हो सकता है और इसमें से कई पिंड स्वतंत्र रूप से बन सकते हैं, स्वतंत्र ग्रहों का निर्माण हो सकता है। लेकिन इन्होंने बताया कि 9 छल्ले निकले, 9 छल्लों के एक एक पिंड बने और उनके घनीभवन से ग्रह बने, तो यह भी एक मूल्यांकन का आधार बनता है। तीसरा जो मूल्यांकन इनका हुआ है इसमें बताया कि निहारिका के जो कण थे ये इसमें जो संलग्नता थी और उसके कारण निहारिका से निकलने का जो क्रम है वह क्रम आज भी जारी होना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य का जो घुमाव हो रहा है तो उसके कारण जो अल्प पारस्परिकता की जो प्रक्रिया हो रही है इस प्रक्रिया के तहत आज भी सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर निकलने चाहिए, ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक बार
एक छल्ला निकलने के बाद सूर्य जो है यह उसकी क्रिया समाप्त हो गई, तो यह बात भी मूल्यांकन के लिए सामने में आती है। चौथी जो बात है कि प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है कि जो सूर्य है वह निर्बाध गति से भ्रमण कर रहा है और इस प्रकार से परिक्रमा एक निरंतर प्रक्रिया हो रही है, लेकिन द्रव जब अत्यधिक ताप अधिक होता है पदार्थों में, क्योंकि निहारिका तप्त थी तो तप्त निहारिका में द्रव पदार्थ अधिक होते हैं और प्रत्येक द्रव की जो परिभ्रमण की गति है ये एक जैसी नहीं होती, प्रत्येक द्रव की गति अलग अलग होती है, द्रव विभिन्न स्तरों में अलग अलग गति करते हैं, तो इस प्रकार से उसमें घर्षण होता है और इस प्रकार से केवल ठोस पिंड ही परिक्रमण तेजी से कर सकते हैं, जो द्रव पदार्थ है इनके परिक्रमण की गति में अंतर पाया जा सकता है। फिर अगली जो आलोचना हुई है कि जो उपग्रह बने, जैसे सूर्य से जो एक छल्ला निकला उससे 9 छल्ले बने और ये सब सूर्य की परिक्रमा करने लगे थे, इसी आधार पर उपग्रह बने, ये जो पदार्थ घूमने लगे थे उनसे उपग्रह बने और उपग्रह भी ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, तो जिस प्रकार से सभी ग्रह एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसी प्रकार से उपग्रह भी एक ही दिशा में ग्रहों की परिक्रमा करना चाहिए, लेकिन बृहस्पति और शनि के उपग्रह जो है ये विपरीत दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं, तो यह बात भी लाप्लास महोदय ने स्पष्ट नहीं की। आगे इन्होंने बताया कि यदि सूर्य अवशिष्ट पदार्थ है और इसमें तरल होने से बीच में अभी भी उभार होना चाहिए, लेकिन ऐसी क्रिया अब नहीं हो रही है। इसी प्रकार जो गतिशील और तप्त निहारिका, ये आकाशगंगा में कहाँ से आई, इसमें ऊष्मा का संचार कैसे हुआ, गति का विकास कैसे हुआ, इन बातों का लाप्लास महोदय ने कोई भी तथ्य सामने में नहीं रखे और उस आधार पर इनके सिद्धांत की आलोचना की गई। लाप्लास महोदय के इस सिद्धांत के बाद एक और नया सिद्धांत हमारे सामने में आता है, इसे हम कहते हैं चेम्बरलिन का सिद्धांत। इसके पश्चात हम देखेंगे चेम्बरलिन का ग्रहाणु सिद्धांत। चेम्बरलिन महोदय ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, इनका सिद्धांत द्वैतारक सिद्धांत है, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति अकेले सूर्य से नहीं हुई है बल्कि सूर्य के साथ किसी अन्य साथी तारे का संयोग हुआ है, उसके कारण पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है। चेम्बरलिन ने सन 1905 में पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके सिद्धांत में केवल पृथ्वी की उत्पत्ति ही नहीं बल्कि पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी में ऊष्मा की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति, वायुमंडल की उत्पत्ति और महाद्वीप कैसे बने, इन सब का समायोजन इनके सिद्धांत में देखने को मिलता है। चेम्बरलिन ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति अकेले सूर्य से नहीं हुई है बल्कि सूर्य जो कि ब्रह्मांड में विद्यमान था, यह सूर्य उस समय तप्त नहीं था जैसा कि हमें वर्तमान में दिखाई देता है, बल्कि सूर्य अत्यंत ठोस कणों से निर्मित शीतल और चक्राकार रूप में एक पिंड के रूप में ब्रह्मांड में विद्यमान था। एक अन्य साथी तारा जो कि
सूर्य से कई गुना बड़ा था और वह आकर्षण शक्ति में भी सूर्य से अधिक था। वह निरंतर सूर्य की ओर आ रहा था। सूर्य की ओर आने के कारण वह सूर्य के मार्ग में नहीं था बल्कि सूर्य के पास आ रहा था। जैसे जैसे वह सूर्य के निकट आ रहा था, सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे बड़े धूल के कण जो है इनको इसने निकाल लिया और सूर्य से अलग कर दिया। ये जो धूल के कण थे, ये छोटे छोटे ग्रहाणु या प्लैनेटेसिमल हम इसे कह सकते हैं, ये ग्रहाणु बने। और ये जो ग्रहाणु थे जो सूर्य की धरातल से निकले हुए थे, यह सूर्य के आसपास ही थे और धीरे धीरे इनका आकार बड़ा होने लगा था। ये ग्रहाणु धीरे धीरे बड़े होने लगे। जो साथी तारा था वह अपने मार्ग से अन्यत्र कहीं चला गया। सूर्य से निकले ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ धीरे धीरे बड़े आकार के रूप में विकसित होने लगे और जो आसपास के जो छोटे पदार्थ और धूल के कण थे इनको इन्होंने धीरे धीरे आत्मसात किया और इस प्रकार से बृहत ग्रह का निर्माण होता है। अलगाव के कारण जो इन्होंने बताया, यह ज्वारीय शक्ति बताई। जो साथी तारा था जो अधिक आकर्षण शक्ति वाला था, इसके ज्वारीय शक्ति के कारण कुछ पदार्थ बाहर निकले सूर्य से और फिर ये अलग हो गए थे। प्रारंभिक रूप में जब जो पदार्थ बाहर निकले थे वो प्रारंभिक रूप में एक केंद्र बन गए थे। ये केंद्र बहुत अधिक घनत्व वाले पदार्थों के बन गए थे और धीरे धीरे ये ठोस होने लगे। इसमें कई आकर्षण वाले पदार्थ समाहित होने लगे और उसके फलस्वरूप आकर्षण के कारण इसने कई पदार्थों को अपनी ओर आत्मसात किया और ऐसे कई केंद्र बने थे जिनका आकार तेजी से बढ़ने लग गया था और यह जो पदार्थ थे ये ग्रहों के रूप में विद्यमान हुए। बचा हुआ जो पदार्थ था यह सूर्य बना और इस प्रकार से एक सूर्य और उसके ग्रहों का निर्माण होता है। इन्होंने ये जो सूर्य में ताप की उत्पत्ति स्वयं में हो जाती है और ये जो पदार्थ उससे बाहर निकलते हैं इनमें आकर्षण होने के कारण यह सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे। इस प्रकार से चेम्बरलिन ने एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात हम देखेंगे इनके सिद्धांत में केवल पृथ्वी की उत्पत्ति ही नहीं बल्कि पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी में ऊष्मा की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति, वायुमंडल की उत्पत्ति और महाद्वीप कैसे बने, इन सब का समायोजन इनके सिद्धांत में देखने को मिलता है। चेम्बरलिन ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति अकेले सूर्य से नहीं हुई है बल्कि सूर्य जो कि ब्रह्मांड में विद्यमान था, यह सूर्य उस समय तप्त नहीं था जैसा कि हमें वर्तमान में दिखाई देता है, बल्कि सूर्य अत्यंत ठोस कणों से निर्मित शीतल और चक्राकार रूप में एक पिंड के रूप में ब्रह्मांड में विद्यमान था। एक अन्य साथी तारा जो कि सूर्य से कई गुना बड़ा था और वह आकर्षण शक्ति में भी सूर्य से अधिक था, वह निरंतर सूर्य की ओर आ रहा था। सूर्य की ओर आने के कारण वह सूर्य के मार्ग में नहीं था बल्कि सूर्य के पास आ रहा था। जैसे जैसे वह सूर्य के निकट आ रहा था,
सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे बड़े धूल के कण जो है इनको इसने निकाल लिया और सूर्य से अलग कर दिया। ये जो धूल के कण थे ये छोटे छोटे ग्रहाणु या प्लैनेटेसिमल हम इसे कह सकते हैं, ये ग्रहाणु बने। और ये जो ग्रहाणु थे जो सूर्य की धरातल से निकले हुए थे यह सूर्य के आसपास ही थे और धीरे धीरे इनका आकार बड़ा होने लगा था। ये ग्रहाणु धीरे धीरे बड़े होने लगे, जो साथी तारा था वह अपने मार्ग से अन्यत्र कहीं चला गया। सूर्य से निकले ये जो पदार्थ है ये पदार्थ धीरे धीरे बड़े आकार के रूप में विकसित होने लगे और जो आसपास के जो छोटे पदार्थ और धूल के कण थे इनको इन्होंने धीरे धीरे आत्मसात किया और इस प्रकार से बृहत ग्रह का निर्माण होता है। अलगाव के कारण जो इन्होंने बताया यह ज्वारीय शक्ति बताई। जो साथी तारा था जो अधिक आकर्षण शक्ति वाला था इसके ज्वारीय शक्ति के कारण कुछ पदार्थ बाहर निकले सूर्य से और फिर ये अलग हो गए थे। प्रारंभिक रूप में जो पदार्थ बाहर निकले थे वो प्रारंभिक रूप में एक केंद्र बन गए थे। ये केंद्र बहुत अधिक घनत्व वाले पदार्थों के बन गए थे और धीरे धीरे ये ठोस होने लगे। इसमें कई आकर्षण वाले पदार्थ समाहित होने लगे और उसके फलस्वरूप आकर्षण के कारण इसने कई पदार्थों को अपनी ओर आत्मसात किया और ऐसे कई केंद्र बने थे जिनका आकार तेजी से बढ़ने लग गया था और यह जो पदार्थ थे ये ग्रहों के रूप में विद्यमान हुए। बचा हुआ जो पदार्थ था यह सूर्य बना और इस प्रकार से एक सूर्य और उसके ग्रहों का निर्माण होता है। इन्होंने ये जो सूर्य में ताप की उत्पत्ति स्वयमेव हो जाती है और ये जो पदार्थ उससे बाहर निकलते हैं इनमें आकर्षण होने के कारण यह सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे हैं। इस प्रकार से चेम्बरलिन ने एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चेम्बरलिन ने बताया कि वायुमंडल का विकास भी इसी प्रकार से हुआ है। इन्होंने बताया कि वायुमंडल जो है जैसे जैसे हमारी पृथ्वी का आकार बढ़ने लगा वैसे वैसे वायुमंडल का आकार भी बढ़ने लगा। वायुमंडल के बहुत से जो तत्व है इसको पृथ्वी आत्मसात करने लग गई थी। वायुमंडल में दो प्रकार की क्रियाएं हुई, एक तो बाह्य उद्गम स्थान से वायुमंडल का विकास होता है। वायुमंडल का आकार निरंतर बढ़ने लगता है और यह वायुमंडल जो है पृथ्वी वायुमंडलीय परमाणुओं को आत्मसात करने लगती है। दूसरा जो प्रकार है जिसमें आंतरिक उद्गम स्थल से भी वायुमंडल का विकास हुआ, इसके अंतर्गत जलवाष्प पृथ्वी के जब कई पदार्थों को आत्मसात कर रही थी तो कुछ वायुमंडलीय गैसें भी पृथ्वी के अंदर समाहित होने लगी थी और इसमें जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन और इस प्रकार की जो बहुत से वायुमंडलीय तत्व है ये सभी तत्व पृथ्वी के भीतर थे जो ज्वालामुखी उद्गार के साथ धरातल से बाहर निकलते हैं और इसके साथ ही ऑक्सीजन का भी विकास होता है और इस प्रकार से धीरे धीरे पृथ्वी का वायुमंडल बनता है। इन्होंने पृथ्वी में ऊष्मा की स्थिति का भी उल्लेख किया है। आकार में वृद्धि के साथ साथ ऊष्मा का भी विकास होता है। सबसे पहले ग्रहाणुओं के समूहन से और उनके आपसी टकराव के कारण ताप
या उष्मा का प्रादुर्भाव होता है। फिर ग्रहाणुओं के आपसी आकर्षण के कारण केंद्र में अत्यधिक दबाव बनता है और उस दबाव के कारण ताप और उष्मा की उत्पत्ति होती है। दबाव में वृद्धि के कारण जो अणु हैं इनमें पुनर्गठन होने से घनत्व बढ़ता है और उसके साथ ही ताप का विकास होता है। उष्मा की उत्पत्ति में ज्वालामुखी का आविर्भाव और वायुमंडल के निर्माण में भी जो सहायक गैसें विकसित होती है इससे भी उष्मा का विकास होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर उष्मा कहाँ से आई इसे भी इन्होंने बताने का प्रयास किया है। फिर महासागरों की उत्पत्ति कैसे होती है, इन्होंने बताया कि जलवाष्प का जब ये पूरी तरह से जब संपृक्त हो जाते हैं तो इसके कारण जलवृष्टि होने लगती है। पहले धरातल का जो निचला हिस्सा है यहाँ पर पानी भरना प्रारंभ होता है और यह जल बढ़ते बढ़ते धरातल तक पहुँच जाता है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उस उद्गार के फलस्वरूप कई छोटे छोटे गर्त भी बनते हैं और यहाँ पर इन गर्तों में जल का जमाव धीरे धीरे होने लगता है। प्रारंभ में जो महासागर था वो कई छोटे छोटे झील या जल के क्षेत्र के रूप में फैला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इनका विकास हुआ और ये विस्तृत होकर के महासागर बन गए। तो इस प्रकार से महासागर और महाद्वीपों का निर्माण, जो गड्ढे वाले भाग थे वहाँ महासागर बने, ऊंचे वाले भाग जो है महाद्वीप बने। महाद्वीप और महासागरों के निर्माण में अपक्षय की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार से ग्रहाणु के संग्रहण से पृथ्वी के आकार में विस्तार होता है और सागरों का भी विकास होता है, सागरों की गहराई में भी निरंतर वृद्धि होती है। पृथ्वी के निर्माण और उसके विकास की अवधि में जो आंतरिक क्षेत्र है इसमें काफ़ी अधिक दबाव बढ़ता है और उसके फलस्वरूप ज्वालामुखी का उद्गार होने लगता है। पृथ्वी के विकास की इन्होंने तीन प्रमुख दशाओं का उल्लेख किया है। सबसे पहला है ग्रहाणुओं का संग्रहण होता है और इसके संग्रहण में जो निरंतर इसका विकास हो रहा है तो उसमें जो कुछ समय लग जाता है, इसके बाद ज्वालामुखी उद्गार होता है और फिर वास्तविक इसके माध्यम से हम भूगर्भीय काल का अध्ययन कर सकते हैं कि पृथ्वी का विकास कब से प्रारंभ हुआ है। तो ये प्रमुख बातों के साथ चेम्बरलिन ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, लेकिन इनका सिद्धांत भी आलोचनाओं से नहीं बच पाया। इनके सिद्धांत में जो आलोचनाएं हुई है इसमें सबसे पहली बात यह कही गई है कि छोटी सी एक निहारिका जो शीतल थी, ठोस थी और वक्राकार थी, उससे इतने बड़े सौर परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई ये हम इसे हम सिर्फ कल्पना मात्र ही मान सकते हैं। दूसरी जो बात कही कि ग्रहों का निर्माण स्वतंत्र हुआ है क्योंकि जो साथी तारा था उसके आकर्षण से सूर्य के धरातल से कुछ पदार्थ बाहर आ गए थे और इससे ग्रहों का निर्माण हुआ था। तो ग्रहों का निर्माण जब स्वतंत्र हुआ है तो ग्रहों में परिभ्रमण और फिर वह सूर्य का परिक्रमण क्यों कर रहे, उन्हें तो नहीं करना चाहिए। तो यह बात भी एक आलोचना के रूप में सामने में आई। तीसरी आलोचना जो हुई, ग्रहाणुओं के समूहन और संवर्धन की जो क्रिया है ये कैसे हुई इसका वर्णन चेम्बरलिन ने नहीं किया है। इन्होंने बताया कि
जब धरातल से कुछ पदार्थ निकले तो केवल नौ ग्रह या नौ पिंड ही क्यों बने, इससे कम या अधिक क्यों नहीं बने? इसका भी उत्तर चेम्बरलिन ने नहीं दिया। कोणीय आवेग जो एंगुलर मोमेंटम है उतना नहीं होना चाहिए इस क्रिया के दौरान जितना कि वर्तमान ग्रहों में देखने को मिलता है। इसके बाद इनके अनुसार जो ग्रह बने वो सदैव ठोस रूप में ही बने, पृथ्वी कभी भी तरल या गैसीय अवस्था में नहीं रही। तब फिर वायुमंडल का निर्माण होना भी एक गलत धारणा है। तो इस प्रकार से इनके इस सिद्धांत की कटु आलोचनाएं की गई। इसके बाद और भी सिद्धांत सामने में आए हैं।